यही आईना है कि इस सरकार से कोई संतुष्ट नहीं है, नौजवान सड़क पर, आदिवासी सड़क पर, और इन सबकी समस्याओं को संवेद करके, एकत्र करके उसको जनता के बीच में ले जाने का काम करने वाली भाजपा भी सड़क पर। नियोजन नीति के संबंध में पार्टी ने अपना निर्णय लिया है और उस निर्णय को उचित समय पर पार्टी सार्वजनिक करेगी कि अगर इस देश की जनता को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और हर वर्ग और बिरादरी को अगर किसी एक नेता पर विश्वास है, उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी। जहाँ से सरकार चल रही है और उस सरकार के खिलाफ हमको प्रदर्शन करना है, और प्रोजेक्ट भवन किसी के का नहीं है, किसी ना पार्टी का है ना किसी नेता का है। मोदी मैदान से शुरू करेंगे और प्रोजेक्ट भवन पर जाकर घेराव करेंगे, और घेराव करेंगे ही, किसी के माई के बस की ना जो रोक लेगा। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट्स, मैं हूँ आपके साथ स्नेहा शर्मा। अगर हम झारखंड की बात करें तो हमें आए दिन प्रदर्शन और आंदोलन देखने को मिल रहा है। अभी इसी बीच में एक चर्चा में खबर आ रही है कि 11 अप्रैल को सचिवालय प्रोजेक्ट भवन का भी घेराव किया जाना है, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा किया जा रहा है। इसी के तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है झारखंड। धन्यवाद सर। जो 11 अप्रैल को सचिवालय प्रोजेक्ट भवन का घेराव किया जाना है, उसमें क्या कुछ होगा, हमारे दर्शकों को इसकी तमाम जानकारी दे दीजिए। झारखंड की वर्तमान यूपीए सरकार, जिसका नेतृत्व तो कर रहे हैं श्री हेमंत सोरेन जी, उस सरकार के द्वारा झारखंड की जनता के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का बढ़ना, महिलाओं के साथ लगातार घटनाएं, और इस सब के बावजूद जनता को हर तरीके से उत्पीड़न करना के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रदेश कार्य समिति में ये निर्णय लिया था झारखंड में कि हम प्रदर्शन करेंगे। बाद में कोर कमेटी की बैठक में 11 अप्रैल की तिथि निर्धारित करके इसका प्रदर्शन तय किया गया। प्रोजेक्ट भवन का घेराव करेंगे और इसमें पूरे झारखंड प्रदेश से कार्यकर्ता और जनता आएंगे, और कार्यकर्ता में बुजुर्ग कार्यकर्ता भी होंगे, नौजवान भी होंगे, माताएं और बहनें भी होंगी। कुल मिलाकर इस सरकार के भ्रष्टाचार, नौजवान बेरोजगार नौजवानों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के का उजागर करेंगे, और जनता को ये बताने का काम करेंगे कि वर्तमान सरकार ना तो आदिवासियों की समर्थक है, ना ये बेरोजगार नौजवानों की हित चिंतक है, ना ये भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहती है, ना ये सरकार महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं को रोकना चाहती है, और अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की पराकाष्ठा इस सरकार ने की है। इस प्रदर्शन के माध्यम से जनता में हम ये संदेश देंगे और फिर जनता का विश्वास अर्जित करेंगे, और अंततोगत्वा संवैधानिक तरीके से विधानसभा का चुनाव आने पर हम जनता के उस विश्वास को वोट में तब्दील करके इस झारखंड की आतताई सरकार को हटाने का काम करेंगे। सर, इस आंदोलन का जो नेतृत्व होगा वो किसके कार्यक्रम में होगा, कौन करेंगे? झारखंड भाजपा इसका नेतृत्व करेगी, और झारखंड के माननीय प्रदेश अध्यक्ष और उनकी प्रदेश की पूरी टीम इसका नेतृत्व करेगी। हम सब उनके नेतृत्व में आंदोलन को सफल बना रहे हैं। सर, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितनी संख्या में लोग? झारखंड का कोई जिला नहीं बचेगा, कोई वर्ग और बिरादरी नहीं बचेगी, कोई काम करने वाले व्यवसाय के लोग नहीं बचेंगे। नौजवान भी होंगी, महिलाएं भी होंगी, अनुसूचित वर्ग भी होगा, आदिवासी भी होगा, ओबीसी भी होगा। कुल मिलाकर झारखंड के स्वरूप का प्रदर्शन करेंगे और सरकार के भ्रष्टाचार को और सरकार की नाकामियों को बेनकाब करेंगे। सर, अगर हम देखें तो एक तरफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं, एक तरफ आदिवासी समुदाय भी आंदोलन कर रहे हैं, एक तरफ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या है ये? यही आईना है कि इस सरकार से कोई संतुष्ट नहीं है, नौजवान सड़क पर, आदिवासी सड़क पर, और इन सबकी समस्याओं को संवेद करके, एकत्र करके उसको जनता के बीच में ले जाने का काम करने वाली भाजपा भी सड़क पर। सर, अगर हम बात करें 60-40 नियोजन नीति को, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? नियोजन नीति के संबंध में पार्टी ने अपना निर्णय लिया है
और उस निर्णय को उचित समय पर पार्टी सार्वजनिक करेगी। सर एक बार बताने का थोड़ा कस, मैं इसमें कोई चीज डिस्क्लोज नहीं करूँ, क्योंकि सर अगर हम छात्र नेता से बात करते तो उनका कहना है कि अगर इस बार जो हमने बात की कि इस बार सरकार जो है आपकी बातें नहीं सुन रही है तो आप किसको वोट दीजिएगा, तो बोलते हैं कि हम सीधे नाटो दबा देंगे, इस बार हम किसी को वोट नहीं देंगे, ना बीजेपी को और ना ही हम जेएमएम। मतदाता का स्वयं का विवेक है, हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन मैं फिर भी नौजवानों से ये इस बात का आग्रह करूँगा कि अगर इस देश की जनता को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और हर वर्ग और बिरादरी को अगर किसी एक नेता पर विश्वास है, उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी, तब फिर नाटो नोटा ना दबाएं और एक बार बिना नोटा दबाए हुए और भाजपा का विश्वास अर्जित करें। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड की समस्याओं का समाधान भाजपा करेगी और झारखंड की स्थापना भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी और उसकी समस्याओं का समाधान भी वर्तमान मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की केंद्र सरकार करेगी। सर और दूसरी बात है कि प्रोजेक्ट भवन को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, आप तो कहीं और भी जा सकते थे, इसको कहीं और भी आंदोलन कर सकते, क्यों जाएं? जहां से सरकार चल रही है और उस सरकार के खिलाफ हमको प्रदर्शन करना है, और प्रोजेक्ट भवन किसी के का नहीं है, किसी ना पार्टी का है ना किसी नेता का है, प्रोजेक्ट भवन जनता का है और जनता के दरवाजे पर जाकर वहाँ सरकार बैठी है, उस सरकार के दरवाजे पर जाकर उस बहरी गूंगी और अंधी सरकार के आंख नाक कान खोलने का काम करेंगे तो प्रोजेक्ट भवन पर जाकर करेंगे। सर कहाँ से आंदोलन शुरू होगा, कैसी रूपरेखा होगी? मोदी मैदान से शुरू करेंगे और प्रोजेक्ट भवन पर जाकर घेराव करेंगे, और घेराव करेंगे ही, किसी के माई के बस की ना जो रोक लेगा हमको। सर कैसी होगी आंदोलन? अब ये तो वक्त बताएगा, आप लोग भी वहीं रहेंगे और मैं भी वहीं रहूँगा।